ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं रेखा पटेल सूरत गुजरात से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज मैं एक श्री साई सरोवर नाम के ग्रंथ के बारे में कुछ बताऊंगी और श्री राधा कृष्ण माई के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में ये दोनों ग्रंथ का परिचय करवाऊंगी। श्री साई सरोवर भाग एक, श्री साई सरोवर भाग टू, दोनों भाग 750 पेज से बटा हुआ है और ये ग्रंथ के लेखक का नाम है श्री मगनलाल तापीदास जर्मन वाला। वो लेखक तो थे ही, बचपन से वो उन्हें लिखने का शौक था और उन्होंने कई किताबें लिखी थी, लेकिन सबसे बड़ी किताब जो लिखी है तो ये वो है श्री साई सरोवर। ये ग्रंथ उन्होंने बाबा की प्रेरणा से ही लिखा था और बाबा ने ही उनको सपोर्ट दिया। उनका एजुकेशन सिर्फ 4 किताब पढ़े थे, लेकिन उनके पर बाबा की कृपा थी और बाबा ने उनको पूरा सहयोग दिया था और पूरी किताब में उनका खुद का संशोधन था। जब वो किताब लिख रहे थे उस जमाने में कोई कंप्यूटर का दौर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई टाइपराइटर, हमारी इतनी कोई स्थिति भी नहीं थी। एक साइकिल थी और साइकिल से वो अपने संशोधन कर रहे थे, साधु संतों से मिलते थे और बाबा के साथ जो जो डिवोटी थे उनको जाकर मिले थे, कच्ची डायरी बनाते थे उसमें लिखते थे। कई साधु संतों को वो जंगल में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, गुफाओं में जाते थे और बाबा के साथ जो जो मिले थे उनसे मिले थे और सब स्टोरी उन्होंने इकट्ठी किया है। खास बात यह है कि उन्होंने जो जो स्टोरी इस किताब में बताई है वो तारीख, वाक, समय और कुंडली सहित उन्होंने बताने की कोशिश है। इतनी माहिती आपको शायद किसी भी पुस्तक में से मिल नहीं सकेगी। लेखक बचपन से लिखते थे और साथ साथ उस जमाने में आजादी की लड़ाई भी चल रही थी, तो लेखक ने उनकी 20 साल की उम्र में ही उन्होंने आजादी का जंग खेला था। तब वो गांधी जी के साथ जेलवास भी किया था, वो साबरमती जेल में कारावास भी उन्होंने भोगा था, 3 साल उन्होंने जेल में व्यतीत किए थे। उनको राष्ट्र की ओर से ये ताम्र पत्र अर्पण किया गया था, जो उन्होंने आजादी का जंग लड़ा था उसके बदले उनको ये ताम्र पत्र दिया गया था, तो राष्ट्र ने भी उनका सम्मान किया था। और श्री साई सम्मेलन का बड़ा सम्मेलन हुआ था, तब साई डिवोटी करके उनको भी और साल ओढ़ के उनको उनका सम्मान किया गया था। इस यह ग्रंथ में जो जो साधु संतों और पशु पक्षी, स्त्री डिवोटी सब का उन्होंने ले लिया है। जब साई बाबा का जन्म से अंत तक उनके जीवन में कौन कौन डिवोटी आए थे उनकी पूरे हिस्ट्री उन्होंने बताई है। माधवराव, लक्ष्मीबाई, श्री रंग अवधूत महाराज, श्री मोटा महाराज आदि अनेक संतों को उन्होंने इस ग्रंथ में समाया है, जिसका मैं नाम बोलूंगी तो भी काफी समय लग जाएगा। आप ये नहीं है कि पिताश्री ने लिखा है तो इसीलिए मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन आप पढ़ोगे तो सच में आपको एहसास होगा कि आप सच में साईं बाबा के समक्ष पहुंच गए। वैसे किताब तो बहुत मिलती है, बाबा की किताब अनेक भाषाओं में मिलती है, लेकिन ये ग्रंथ अपने आप में एक उसका अलग अलग प्रभाव है। जब ये किताब आप पढ़ोगी तो आपको लगेगा कि आप खुद साईं बाबा से बात कर रहे हो, और ये किताब जब आप पूरी पढ़ लोगी तो लगेगा आपको बाबा का एहसास होगा और होगा। ये तो मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में बताया है और आज मैं खास जो बात बताने जा रही हूँ तो इसमें स्त्री बाबा के जो स्त्री भक्त है उनको भी लेखक ने अलग विभाग से इसमें शामिल किया है, जैसे कि राधा कृष्ण माई, लक्ष्मीबाई, तेंदुलकर, सब महिलाओं का उन्होंने अलग विभाग से उन्होंने समाया है। उसी प्रकार सब प्राणियों की जो स्टोरी आती है उनको भी
अलग विभाग से उन्होंने शामिल किया है, जैसे कि वो साईं बाबा ने वो भैंसा का बचाव करते हैं, उसको वो भिखू मारवाड़ी उसको बेच देता है, वो सब प्राणी पशु पक्षी वो भी उसको उन्होंने अलग विभाग बनाया और इसी तरह इन्होंने ये ग्रंथ में शामिल किया है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रंथ एक ग्रंथ नहीं है, लेकिन साईं बाबा का पूरा इतिहास इसमें शामिल है। अब मैं जो बताऊंगी स्टोरी बताने जा रही हूँ वो राधा कृष्ण माई की, इसीलिए कि ये अब नजदीक 1930 नवंबर को राधा कृष्ण माई की 105वीं पुण्यतिथि आ रही है, तो मैं आज सिर्फ इनमें से जो संक्षिप्त में राधा कृष्ण माई का संक्षिप्त में उनकी कहानी को मैंने ले लिया है, तो जो मैं आज मैं बताऊंगी सिर्फ राधा कृष्ण माई की कहानी, फिर कभी ये ग्रंथ के बारे में भी बहुत कहानी में बताऊंगी। तो आज सुनिए राधा कृष्ण माई की कहानी। श्री राधा कृष्ण माई। शिरडी की धरती पर प्रभात हो रहा था, तब शिरडी के गगन में प्रभाती राग में मधुर आवाज गूंज रही थी। प्रभात होते ही जैसे पुष्प खिल उठते हैं, वैसे ही राधा माई प्रभात होते ही प्रभाती छंद मधुर कंठ से गाती थी। राग स्वयं जैसे स्वरूप धारण करके शिरडी की धरती पर आ गया हो। तुकाराम, कवि जयदेव और मीराबाई द्वारा रचित अभंग राधा माई अच्छे सुर से गाती थी। राधा माई को सभी राधा कृष्ण माई के नाम से जानते थे, कुछ लोग तो उन्हें मीरा का ही अवतार मानते थे। इसी सन 1907 की बात है, जब बाबा श्री संध्या के समय लैंडीबाग से आकर भारिका माई में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, गौ और किसान अपने घर लौट रहे थे। यह सब दृश्य बाबा बैठे बैठे देख रहे थे। द्वारिका माई से थोड़े दूरी पर एक झरझरित मकान था, बाकी तो चारों ओर खुली जगह थी, इसलिए दूर दूर तक नजर दौड़ सकती थी। साईं बाबा की दृष्टि ने देखा एक सफेद वस्त्र पहनकर कोई उनके नजदीक आ रहा था। ऐसे नजदीक आते ही देखा तो वो स्त्री आकृति दिखाई दी और वो द्वारिका माई की तरफ ही आ रही थी। साईं बाबा देख रहे थे और वह आकृति नजदीक आ गई। वह एक स्त्री थी, गृहस्थी है या साध्वी ये तो पहचानना मुश्किल था। सफेद वस्त्र, कंधे पर गठरी, साथ लिए हाथ में एक तारा, दूसरे हाथ में कीर्तन, ललाट में माधव संप्रदाय का तिलक था, हाथ में तुलसी की माला और कंगन से भी तुलसी की माला पहनी हुई थी। विशाल ललाट था, कंधे पर लंबे रेशमी केस लहरा रहे थे। जब वह स्त्री द्वारका माई के करीब आई तब सभी उसे देखते रहे। वह स्त्री की मुखाकृति से उनकी संस्कारिता झलक रही थी। वह स्त्री का नाम था राधा कृष्ण माई। द्वारिका माई के पास आकर राधा कृष्ण माई ने गठरी नीचे उतारी, करताल रखकर द्वारका माई की सीढ़िया पर मस्तक झुकाकर दो हाथ जोड़कर बाबा को नमस्कार करने लगी। गठरी में से वस्त्र निकालकर वस्त्र को बिछा दिया और अंदर से पीतल की राधा कृष्ण की मूर्ति निकाली और कपड़े पर रख दिया और सामने आसन लगाकर माई बैठ गई। जैसे प्रभु से बिछड़ा भक्त हो और मालिक से बिछड़ा पशु करुण स्वर से जैसे पुकार रहा हो, वैसे राधा माई मीराबाई रचित भजन गाने लगी। राम नाम मेरे मन बसियो, रसिया
रिझाऊ ओ साय, मैं मंद अभागन करण अभागन कीरत कैसे गाऊ ओ साय। विरह पिंजर की बात अभाग गाऊ जो भुलाऊ ओ साय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण के चरण को पाऊ ओ साई। मधुर भजन सुनने के लिए द्वारिका माई में भीड़ लग गई। मीराबाई के भजन के बाद कृष्ण भक्ति में लीन होकर अभंग आए। जब वह स्त्री गा रही थी तब मानो कि यह दृश्य आंखों के सामने आ जाते थे। ऐसे भाव भरे भजन और अभंग सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। किसी को समय का ख्याल ना रहा। बाबा भी अपने आसन से ना उठे, ना ही मालसापति, ना ही टातिया पैटेल, कोई अपनी जगह से ना हिले। सभी लीन हो गए थे। आखिर गाना बंद करके माई भी समाधि भाव में चली गई। सुनने वालों को तो अभी भी वातावरण में वो स्वर गूंज रहे थे। राम नाम मेरे मन बस्यो, रस्यो राम रिजाऊ ओ साई, मैं मंद अभागन करम अभागन करित कैसे गाऊ ओ साई। देर रात्रि में रात्रि को समाधि भाव जब उतरा तब साईं बाबा ने आशीर्वाद देते कहा, जा वहां सामने खाली पड़े मकान में जाकर निवास कर। उंगली दिखाकर राधा कृष्ण माई को सामने वाली रूम में बाबा ने भेजा। द्वारिका माई के सामने जर्जरित मकान था, वहीं पर बाबा के आदेश के अनुसार राधा कृष्ण माई ने निवास किया। राधा कृष्ण माई का ननिहाल मतलब मामू का घर, वो पुणे से 32 माइल की दूरी पर जेजुरी नाम के गांव में था। वह गांव में दत्तोपन बेलसेरे नाम के एक वकील थे। वकील की बहन का नाम मालती था। मालती की शादी अहमदनगर में देशपांडे परिवार में हुई थी। अहमदनगर में बाला साहेब देशपांडे और पंधरपुर के विश्वनाथ देशपांडे वकीलात करते थे। मालती को दो बेटी हुई जिसका नाम शकुंतला बाई रखा। शकुंतला बाई की शादी क्षीर सागर परिवार में हुई थी। शकुंतला को एक बेटी हुई जिसका नाम था सुंदरा बाई। सुंदरा बाई की ईस्वी सन 1811 में 17 साल की थी तब उसकी शादी थाना जिला के दहीथरकण परिवार में की गई। सुंदराबाई भक्तिमय बनकर वैराग्य भाव से हिमालय की राह पकड़ ली। प्रथम अयाचक्र व्रत धारण किया। किसी से कुछ ना मांगना, पैसा को स्पर्श ना करना, कोई भी चीज वस्तु का संग्रह नहीं करना, ऐसा कड़ा नियम उन्होंने रख लिया। खाने पीने की परवाह नहीं की, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो पेड़ के पत्ते खा लेती। कोई टिकट बनाकर देता तो रेलगाड़ी से जाती, नहीं तो पैदल ही यात्रा करती थी। इस प्रकार अनेक तीर्थ भ्रमण करती रही। जंगल, नदी, गांव, वैरान रस्ते, ठंडी गर्मी सब कुछ सहते हुए तीर्थ भ्रमण करती ही रही। धुनी रमाए, संतों के दर्शन किए, पर्वतों में अलग जगाए हुए महात्माओं से भेंट हुई, ओमकार के नाद सुनती, वो कभी सरोवर के ठंडे जल में स्नान कर लेती, भभूति लगाए भभूति धारी संतों से भी मुलाकात हो जाती। इस प्रकार सुंदराबाई हिमालय में तीर्थ भ्रमण निर्भय होकर करती रही। सुंदराबाई वैरागी जोगन की काया अति कोमल थी। सुंदराबाई वैरागी जोगन की काया अति कोमल थी और इस प्रकार से वो कठिन तीर्थ भ्रमण करते रहे।
ऐसा लगता था कि मानो हिमालय ही बोल पड़ा कि बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, अभी तुम बहुत कोमल हो, बहुत कोमल और छोटी हो। सुंदराबाई का वैरागी मन भक्ति में लीन होता जा रहा था, परंतु वियोग भी तो था। हिमालय के तीर्थ भ्रमण के दौरान अनेक संत महात्माओं से मुलाकात हुई और इन मुलाकातों से नेति धोती इत्यादि योग मार्ग की अनेक सिद्धियां सुंदरा को प्राप्त हुई। आखिर में सुंदराबाई शिरडी में आई और साईं बाबा के शरण में रही। शिरडी में सुंदराबाई का भाग्योदय हुआ। मीरा और सूरदास ने जैसे प्रीतम कहकर प्रभु की भक्ति की थी, वैसे सुंदराबाई को शिरडी की धरती पर प्रीतम स्वरूप भगवान श्री साईं बाबा मिले। साईं बाबा को मुरली मनोहर मानते हुए प्रीतम रूप मानकर सुंदराबाई का हृदय कुंज प्रफुल्लित हो उठा। सुंदराबाई को साईं बाबा मिले, उसके बाद सुंदराबाई में बहुत अच्छा बदलाव आया। बाके बिहारी राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति से सुंदराबाई में से राधा कृष्ण माई से जानने लगी। साईं बाबा सुंदराबाई को राधा कृष्ण ही कहते थे। राधा कृष्ण माई के बाबा के सामने पहला राधा कृष्ण माई ने बाबा के सामने पहला भजन गाया था कि मैं मंद अभागन कर्म अभागन कीरत कैसे गाऊं ओ साईं। इसलिए बाबा कभी राधा कृष्ण माई को अवदशा कहकर भी बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने अनेक दुख झेले थे। राधा कृष्ण माई मोटा कपड़ा पहनती थी, कभी केस खुले रखती तो कभी जूड़ा बना लेती थी। माई ने पूजा स्थान बनाया था जिसमें एक गादी पर बांके बिहारी राधा रमण की मनोहर मूर्ति रखी थी और मूर्ति के दोनों की तरफ बाबा की फोटो रखी थी। फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी और बाबा को पहनाती थी, अच्छा सा सजा कर रखती थी अपना वो पूजा स्थान। राधा कृष्ण माई के पूजा स्थान के रखे फोटो के दर्शन के लिए तो शिरडीवासी भी आने लगे। साईं बाबा के लिए सुबह का नाश्ता राधा कृष्ण माई ही बनाती थी, इसके अलावा कुछ रसोई बनाने की झंझट वो नहीं करती थी। राधा कृष्ण माई का कोकिला सुरीला आवाज द्वारिका माई तक जब सुनाई देता था, रात्रि में भी राधा कृष्ण माई को ज्यादा नींद नहीं आती थी। करीब दो प्रहर तक वो बस भजन ही गाया करती थी। दीक्षित के वाड़े में पीछे एक वाड़ा एक बड़ा कुआं था, वहां से दो बड़े बड़े पानी के घड़ा राधा कृष्ण माई द्वारका माई में लेकर चावड़ी तक द्वारका माई में लेकर आती थी। चावड़ी तक झाड़ू निकाल कर पानी छिड़कती थी और लेंडी बाग तक का रास्ता भी माई ही तो साफ करती थी। बाबा एक दिन चावड़ी तो एक दिन द्वारका माई में सोया करते थे। शिरडी में आने वाले हर एक भक्त राधा कृष्ण माई को पूज्य भाव से ही देखते थे। हर कोई यह बात माना करते थे, उनकी बात माना करते थे। रास्ते पर पड़े पत्थर कंकर गंदगी को साफ करना, वृक्ष लगाना, गोबर से लिपाई करना आदि अनेक काम माई किया करती थी। गोपाल अष्टमी पर कागज के रंग बिरंगी फूल का तोरण बनाना माई उसकी अच्छे से सजावट करती थी। दीवारें साफ करना सब काम माई किया करती। रामनवमी उत्सव की ऐसी तैयारियां करती थी राधा कृष्ण माई को अन्य भक्त भी यह काम में मदद करते थे। बाबा राम जन्म उत्सव के बाद सभी भक्तों को पंजागिरी का प्रसाद देते थे, तो वो पंजागिरी भी माई ही बना कर देती थी। राधा वामनराव पटेल जो सोलिसिटर थे, फिर भी
माई को रास्ते की सफाई करना, पानी भरना जैसे कामों में निसंकोच मदद करते थे। सभी काम बाबा के ही है यह भाव से वो सब काम कर रहे थे। राधा माई शिरडी आई, उससे पहले शिरडी में राम जन्म उत्सव मनाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन 1912 से 9 दिन का उत्सव मनाना शुरू किया और कीर्तन राम जन्म का पालना मतलब झूला झूलाना तभी से शुरू हुआ जब माई शिरडी आई। यह प्रथा भी राधा कृष्ण माई ने ही शुरू की। सभी कार्य में राधा कृष्ण माई भक्तों की मदद लेती थी, लेकिन द्वारिका माई के 2 बड़े मटके भरने के लिए वो खुद ही जाती थी। कोई इस काम में मदद करे वो उन्हें पसंद नहीं था। भगवान साईं बाबा के पवित्र हाथ से स्पर्श किए ये मटके के पानी को पीने के लिए भक्त लोग आते थे और चरणामृत स्वरूप से उनको ग्रहण करते थे और अपने दुखों को मिटाते थे। वामन राव ने देखा कि जिस धरती पर मेरे प्यारे साईं के पवित्र चरण कमल होते हैं, वही वो धरती भी कोमल बन जाती है। शिरडी की धरती की सफाई करने वाले भी धन्य है यह सोचकर अगले दिन वामन राव ने सफाई काम में सहयोग देना चाहा, लेकिन राधा कृष्ण माई को बिना बताए ही झाड़ू लेकर रास्ता सफाई करने लगे। यह बात माई को पसंद नहीं आई। क्या हुआ कि वामन राव ने जो रास्ता सफाई किया था, जो कचरा उठा बिना परवानगी को सफाई किया, वो राधा कृष्ण माई की परवानगी वामन राव ने ली नहीं थी, ये बात माई को पसंद नहीं आई। तो हुआ यूं कि जो कचरा उठाया था, जो पत्थर उठाया था, वापस वही जगह पर आकर गिर गए। वामन राव समझ गए कि यह राधा कृष्ण माई की ही नाराजगी है। कुछ दिन बाद जब राधा कृष्ण माई के घर शाम को भोजन के लिए बाबू साहेब बुट्टी, काका साहेब दीक्षित, डॉक्टर पिल्ले इकट्ठे हुए, तब तात्या पाटिल ने सबके सामने स्व अनुभव कहा कि एक दिन किसी बात से लेकर राधा कृष्ण माई से थोड़ा रक्षक हो गई थी, तब माई ने क्रोध किया था और जब वो टाटिया पाटिल खेत में गया तो वहाँ पत्थर पड़े थे, वो उड़कर टाटिया को पैर में लगने लगे और चोट भी आई। तब समझ गए कि यह माई की ही कृपा है। राधा कृष्ण माई का साक्षात्कार एक रात्रि की बात है। चावड़ी में सेज आरती समाप्त हो गई और काका साहेब दीक्षित का 8 साल का लड़का और बाला साहेब भाटे का लड़का, दोनों लड़के छड़ी पुकार रहे थे, सुन सुन बेहैया बेहैया छड़ीदार में आया, साईं नाथ की छड़ी है 3 लोक में बड़ी, साईं नाथ का घोड़ा 3 लोक में बड़ा, त्रिगुण शिखर पर जाना वहां साईं नाम जपना, अलवेल सरकार आराम करो सरकार। सभी भक्त ने एक साथ जयकारा किया और बाबा श्री को नमस्कार करके सभी भक्त अपने अपने घर वापस लौटे। शिरडी की धरती पर नीरव शांति छा गई थी, समग्र आकाश सितारे से भर गए थे, दूर दूर तक कुत्तों की आवाज आ रही थी। परमात्मा से परम तत्व के दर्शन की आतुरता में तड़प रही राधा कृष्ण माई को नींद नहीं आ रही थी। एक तारा हाथ में लिए बाके बिहारी की चित लगाकर सुमधुर स्वर में वो भजन गाने लगी। प्यारे दर्शन दीजो तुम बिन रहा न जाए, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखियो बिन सजनी। भजन के भाव भर कर परमात्मा भजन के भाव देख परमात्मा की शक्ति को पुकारा, वो जैसे कि ब्रह्मांड ने पुकारा हो। इस प्रकार अचानक मूर्ति में प्राण आ गए और राधा कृष्ण की मूर्ति अंगारे की तरह लाल होने लगी और अलौकिक दिव्य प्रकाश से पूरा प्रकाश घर में फैल गया। बाके बिहार की मूर्ति में से जैसे कि अग्नि की गर्मी
प्रकट हो गई हो। इतनी गर्मी थी कि वहाँ बाजू में सोए वामन राव से ये गर्मी सहा न गई और वो बाहर निकल गए। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और राधा कृष्ण माई भी जमीन पर निश्चित होकर गिर गई। वह एक अलौकिक लीला थी। वामन राव प्राण गोविंद दास पटेल अर्थात की श्री साई शरणानंद जी महाराज को स्वयं बाबा ने ही राधा कृष्ण माई के घर में रहने का आदेश किया था। वामन राव की अनेक प्रकार से परीक्षा करती थी। वामन राव कभी चलित ना हुए और हमेशा अड़ग ही रहे और हर कसौटी से पार उतरे। वामन राव को रात्रि में घटी घटना याद आ गई कि बाकी बिहारी की मूर्ति भी लाल होकर गर्मी से तप रही थी। ये प्रश्न की याद आते ही वामन राव को लगा कि बाकी बिहारी की पूर्ण कृपा माई के ऊपर है और वामन राव ने मनोमन राधा कृष्ण माई को वंदन किया। सुंदराबाई शिवसागर की जब 25 साल की थी तब शिरडी आई थी। तब सुंदराबाई का नाम तो सभी ने स्मृति से निकाल दिया और आज राधा कृष्ण माई नाम से ही वो जानने लगी। कुछ लोग तो मीरा का अवतार भी मानते थे। 10 साल तक राधा कृष्ण माई शिरडी की धरती पर रही, ऐसी पावन धरती जहाँ रहने की इच्छा देवी देवता भी करते हैं। आखिर कर्म के बंधन त्याग किया तब वे 35 साल की उम्र थी। माई की श्री साईं बाबा के दरबार में हर आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है, कांचन है या नहीं परख जाते हैं। राधा कृष्ण माई के मृत्यु के समाचार शिरडी पहुँचे उसके पहले ही द्वारका माई में भगवान श्री साईं बाबा ने अपने वस्त्र अग्नि में स्वाहा करके महारौद्र स्वरूप धारण करके राधा कृष्ण माई को यम के दरबार से मुक्ति दिला दी। तब बाबा श्री बोले उनको मेरे रौद्र स्वरूप के दर्शन करने हैं, वो ये आए और दर्शन कर ले। मेरे स्वरूप का यह आखिरी दर्शन है, अब ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। इस प्रकार बाबा ने भी अपनी विदाई का अनुसार सबको दे दिया और राधा कृष्ण माई का उद्धार किया। इस प्रकार राधा कृष्ण माई ने शिरडी में ही साईं बाबा के सानिध्य में अपना जीवन सार्थक किया और मृत्यु को उजागर किया। ऐसी राधा कृष्ण माई को हमारा कोटि कोटि वंदन। यहाँ मैंने यह कहानी यहाँ पूर्ण करती हूँ संक्षिप्त में, जो लिखी थी ग्रंथ में और भी विस्तार से है। अब इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको श्री साईं सरोवर ग्रंथ को पढ़ना होगा। अस्तु, ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।